बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से एक टॉपिक चल रहा है और वो ट्विटर पे बड़ा जो है उस पर धूम मची हुई है, और यूट्यूब पे भी मैंने देखा कि हारिस ने भी और आई थिंक एक दो लोगों ने और इस पर बात की है। तो बात हो रही थी मेरी और कैसर राजा की। अगर आपने अभी तक ये नहीं सुना है तो ये एक स्टोरी हुई है, एक हादसा हुआ मेरे साथ लास्ट वीक। सो उसपे हम बात करेंगे और वो हादसा क्या था ये मैं सब आपको बताऊंगी अपनी जबानी। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती? स्टोरी स्टार्ट होती है जो ये औरत मार्च आने वाली थी, राइट? तो ये औरत मार्च आ गई थी या आने वाली थी, ऐसी कोई उन्हीं दिनों की बात है। कैसे राजा जी जो है वो एक स्पेस चला रहे थे जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था फ्रॉड औरत मार्च। सो एनीवेज, मैं इनकी स्पेस में चली गई। इससे पहले भी एक दफा मैं इनकी स्पेस में गई थी, आई टुक अ माइक वंस। सो मैं काफी देर से इसमें बैठी रही, सुनती रही, मैं अपने काम काज कर रही थी और ये बार बार बोल रहे थे कि भाई उनकी साइड से कोई आए, कोई दूसरी साइड से आए। बात चल रही थी ज्यादातर हम जिनसी पे, ट्रांसजेंडर पे। तो मैं उनसे कोई बात करने, एक्चुअली उनसे कुछ बातों पे अग्री करने ही गई थी। तो जब मैं ऊपर गई, जब मैंने माइक लिया, तो उसके बाद एक तो कैसर राजा थे वहां पर होस्ट, और आप दो होस्ट दे सकते हैं ऑन स्पेसिस, तो और दो को होस्ट उनके वहां बैठे हुए थे। अब जैसे ही मैंने माइक लिया, उसके बाद की कॉन्वर्सेशन जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चल गया था कि कॉन्वर्सेशन किस तरफ जा रही है, मैंने कहा ये रिकॉर्ड करने का टाइम है और मुझे ये रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो वो मैं आज ये जो पूरी वीडियो है, मैंने ट्विटर पे सिर्फ 2 मिनट की वीडियो डाली है, मगर ये 7 मिनट की वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप ये 7 मिनट की वीडियो मेरे साथ देखें और सुने। और इसमें मुझको भी नहीं पता था कि, मगर जब आप स्पीकर पे होते हैं और अपने आप को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने वो सिलेक्शन नहीं की जहां पर वो मेरा मीडिया भी रिकॉर्ड करे, तो मेरी आवाज आपको नहीं आएगी। मगर इन लोगों ने जो मुझको कहा उसकी आवाज पूरी पूरी आ रही है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये जैसी रिकॉर्ड की गई है वैसे ही मैं चलाऊंगी आपके साथ, और फिर इसपे हम थोड़ा थोड़ा तबसरा करेंगे। अच्छा, वीडियो देखने से पहले आप ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि ये एक महजब इस्लामी और बहुत ही तमीजदार स्पेस है, और इनको इस स्पेस के होस्ट एक बहुत बड़े नामी हजरत हैं, कैसर राजा जी हैं, राइट? उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़े अच्छे मुसलमान हैं और इस्लाम का ठेका सिर्फ उन्होंने ही लिया हुआ है। तो ये जरा सुनिए और फिर जो है हम इस पे तबसरा भी करते हैं। ये बता दें, मेरे पैसे ना दें, मेरे दोस्तों के पैसे आप कब रिटर्न कर रही हैं? है मेरे पास है। अच्छा, तो मैं आपको समझाती जाऊंगी जैसे जैसे ये बात हो रही है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये साहब है, इनका नाम है मिस्टर अतीर समथिंग, मुझे इनका पूरा नाम नहीं पता, अतीर शाह। ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे आप अपने पैसे दें। अब ये फुल कॉन्टेक्स्ट आपको मैं ऐसा ऐसा बताती जाऊंगी जैसे जैसे आपको समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पैसे आप मुझे वापस दें। तो मैं जवाब में इनसे कहती हूँ कौन से पैसे रसीदें हैं आपके पास, उसका जवाब देंगे बाद में। ये बता दें, मेरे पैसे ना दें, मेरे दोस्तों के पैसे आप कब रिटर्न कर रही हैं? तो मैंने इसे पूछा कौन सा दोस्त, ये वो, यू नो, है मेरे पास है। जी जी है। आपको जब मैंने नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने किया था वो भी नहीं, मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट मैं ये मेरी बात ये पीछे से कोई हंस रहा था कि ये रसीदों की बात हो रही है, तो मैंने इनसे ये बोला कि भाई आपके वो रसीदें हैं, तो ये कह रहे हैं इनके पास रसीदें हैं। मैंने लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपका नाम ही सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं विक्टिम हूँ आपका। मेरी बात सुन लेना प्लीज, मेरा रोना तो सुन ले मेरा, मैं ये। अच्छा, सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मुझे बात करने नहीं दिया जा रहा था, मुझको म्यूट किया जा रहा था बार बार, और मिस्टर आतिर शाह ये कहना चाह रहे थे कि मैंने किसी के पैसे खा गई हूँ मैं, और इनके पैसे खा गई हूँ मैं,
इन्होंने अभी एक हफ्ते के बीच में इन्होंने वीडियो भी डाली कि बड़ी सफाइयां भी दी कि मैंने तो नहीं लिए, मगर आप सुन सकते हैं कि अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, मुसलमान जो झूठ नहीं बोलता वो खुद मुंह से यहाँ बैठ के कह रहा है कि मैंने, मेरे पैसे आपने खाए हैं। इन्होंने एक और वीडियो डाली है जिसमें ये बिल्कुल इस चीज से इनकार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये वीडियो दिखा दूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने बोला क्या है। सो आप दोबारा से सुन लें कि ये कह रहे हैं कि मैंने, इन्होंने मुझे पैसे भेजे, इनके पैसे मैंने खाए हैं, ये मेरे विक्टिम रह चुके हैं। मैं विक्टिम हूं आपका, मैं मेरी बात सुन लेना प्लीज, मेरा रोना तो सुन ले मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो, मैं अगर यहाँ पे एक बंदा पूरी रात 12 घंटे काम करे तब जाके 100-150 यूरो कमाता है वो, तो 12 घंटे किसी 12 घंटे में अगर बंदा $100 कमाता है तो कितने पर आवर बन जाते हैं? वैसे मुझे, मैं डिवाइड करके देखती हूँ। 12 घंटे अगर आप डिवाइड करें, 100 / 12 = $8.8, ये तो मिनिमम वेज से भी कम है। आप लोग पाकिस्तानी यूके में बैठ के $8 पे काम कर रहे हो यार। जब ही वो रो रहा था बेचारा, खुद ही उसने कहा कि मुझे रोने तो दो ना आपने, वो कह रहा मैं रो तो लूं 100 यूरो के लिए। 12 घंटे काम करें तब जाके 100-150 यूरो कमाता है वो, तो 12 घंटे किसी गरीब की मेहनत का पैसा था। दो मेरे दोस्त वो नहीं कैसे पैसे कमाते थे, कैसे पैसे कमाते थे का क्या मतलब है आपका? कैसे पैसे कमाते थे? देखिए लीगली जैसे भी आप पैसे कमाए हम तो नहीं जज करते हैं, कैसे पैसे कमाते थे। और मुझे एक बात मुझको ये बताइए कि जो बंदा 12 घंटे काम करके $100 कमाता है, उसकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं? आप किसी को वो जो है ऐसी वेबसाइट पे भेजेंगे वो $100, या आप अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए लेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि हो क्या रहा है। चले इसीलिए वो नहीं स्पेसिस में बोल रहे, वो अमीर हो गए, बेंटली खड़ी है, आपको अमीर लोगों का पता होगा, आपके और भी अमीर विक्टिम होंगे, लेकिन मैं आपका ही। तो जिन साहब की ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे पैसे भेजे, तो वो साहब ट्विटर पे कहते हैं वो लॉयर हैं, यूके में बड़े बड़ी बड़ी तस्वीरें डालते हैं होटल्स में बेंटलीज की, और उनके पास बहुत पैसा है, तो यानी वो झूठ बोल रहे हैं इसमें। यानी मिस्टर आतिर शाह ने, जो वो फेक इनका फ्रेंड है, जो लोगों को फेक दिखा दिखा कर लड़कियों को फसलाता है और पैसों की लालच देता है, तो इन्होंने भांडा फोड़ दिया कि वो बंदा 12 घंटे काम करके $100 कमाता है, 100 यूरो कमाता है। तो ये खुद कह रहे हैं कि वो बंदा तो अमीर है नहीं, तो वो फेक है। आगे बढ़ते हैं, सुने जरा ये क्या कह रहे हैं। फिर ये बोलेंगे कि मैं खुद आतिर शाह आपका विक्टिम हूं। इनके मुंह से सुनिए ये मुसलमान कितना सच बोलते हैं। स्पेसिस में बोल रहे वो अमीर हो गए, बेंटली खड़ी है, आपको अमीर लोगों का पता होगा, आपके और भी अमीर विक्टिम होंगे, लेकिन मैं आपका एक गरीब विक्टिम हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं वापस मांग रहा, मैं आपसे अपने पैसे नहीं वापस मांग रहा, मैं आपको पैसे माफ करता हूँ एज अ औरत, मैं आपको पैसे माफ करता हूँ, मैं एज अ औरत आपको अपने पैसे। अब आप ये देख लो कि बात तो मुझे करने दी ही नहीं, इन्होंने बात तो करने दी ही नहीं, ना ही रसीदें इन्होंने लगाई वहां पर, क्योंकि रसीदें कहाँ है, रसीदें। और ये खुद बार बार कह रहे हैं कि ये मेरे विक्टिम हैं। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो इनका लगाऊंगी जहां पे यही मुसलमान कहता है मैंने तो बोला ही नहीं है। माफ करता हूँ, भरी स्पेस के अंदर आप मेरे पैसे ना दें, मैं आपको अल्लाह की राह में वो पैसे बख्शे, लेकिन मैं आपसे किसे सिर्फ आगे जा के आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह की राह में इन्होंने वो पैसे कहाँ बख्शे। अभी आप सुने ना, मजा आएगा कि भैया अल्लाह मियां की राह में और ये अल्लाह मियां के जो मुहाफिज हैं ये गए कहाँ, पैसे लगाए क्यों, झमेला कहाँ हुआ। जरा देखो बेचारे ने बिहाइंड मरवा के वो 100 यूरो कमाए थे, मुझे भेज दिए। इतनी से वो कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो वाकई गरीब था, उसने ओनली फैन पे आपको पैसे दिए, बाद में आपने अपनी आईडी चेंज की, अपना अकाउंट बंद कर दिया। सुना आपने, मुसलमान ओनली फैंस की बात कर रहे हैं, इनके सारे दोस्त और मिस्टर आतिर शाह खुद ओनली फैंस पे गए मेरे, राइट? तो ओनली फैंस पे अगर आप जाएंगे तो आपको सब वहां पर अबाउट मी में बिल मिल जाता है, सब कुछ, सब्सक्रिप्शन भी पता चल जाती है। यानी जाहिल से जाहिल बंदे को सब्सक्रिप्शन दिख जाती है, डॉलर साइन दिख जाता है, पता चल जाता है कि महीने कितने मिलते हैं, राइट? तो ये आतिर शाह वहां पे गए थे ओनली फैंस पे, और वहां पर ये इन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं, ये कह रहे हैं।
और फिर मैंने इनके साथ धोखा करा, मैंने इनके पैसे खा गई। याद रखें कि ये नैरेटिव ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने और इनके फ्रेंड्स ने मुझे ओनली फैंस पे पैसे भेजे और मैं उनके पैसे खा गई। फॉलो अलोंग, ओके? वो जान साहब वो नहीं बर्दाश्त कर पा, उसने ओनली फैन पे आपके पैसे, आपको पैसे दिए, बाद में आपने अपनी आईडी चेंज की, अपना अकाउंट बंद कर दिया। अगेन करेक्शन, मेरा अकाउंट, कोई अकाउंट मेरा बंद नहीं हुआ सिवाय ट्विटर के, वो भी इन्हीं लोगों ने एक साल पहले उड़वाया था, वरना मेरा अकाउंट ट्विटर पे, सॉरी पेपैल और ओनली फैंस वो हमेशा से रहा है। अगर आपको चाहिए देखने तो मैं स्टेटमेंट लगा दूंगी, बट आपको खुद ही पता चल जाएगा सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। तो मेरा कोई अकाउंट ना मेरा कोई बिजनेस इन लोगों ने बंद करवाया, मगर सुनने सुनिए और लपेटे, लपेटो यार लपेटो। ये अपना अकाउंट बंद कर दिया, वो जान साहब वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो तो बेचारा वो चला गया है डिप्रेशन में। तो प्लीज मैं उसे डीएम करके बुला, तो मेरे पास रसीदें पड़ी हैं, जब मैंने रसीदें शेयर की थी तो आपने ब्लॉक कर दिया था, तो प्लीज। कौन सी रसीदें, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, कहाँ से ब्लॉक कर दिया था आपको? जरा प्लीज आतिर शाह जी, मैं तो कहती हूँ रसीदें लगा दो, वरना मैंने रसीदें लगा दी ना तो आपके पास कुछ नहीं बनेगा, नंगे हो जाओगे बिल्कुल, और 2 इंच का जो तुम्हारा है ना वो फिर सबको एक्सपोज हो जाएगा। सी तो रसीदें तुम लगा दो, या वरना फिर मैं रसीदें लगाना शुरू करूं, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ कि रसीदें लगाना शुरू कर दो। और वो भाई, वो बंदा इतने डिप्रेशन में चला गया कि उसके साथ धोखा हो गया, मगर धोखा किस चीज का हुआ इनको, धोखा किस चीज का हुआ है इनको, डिप्रेशन किस चीज का हुआ है ये तो जाने। मेरी बहन, अगर आप बहन कहलवाना पसंद करती हैं, यानी कि आपने मेरे को आतिर शाह पैसे भेजे ओनली फैंस पे, राइट? ओनली फैंस बस एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बकौल इनके, तो ओनली फैंस से मुझे पैसे भेजे और फिर मैंने आपके पैसे खा लिए, तो आप अपनी बहनों के ओनली फैंस पे बैठते हैं क्योंकि अभी आप मुझे बहन बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? इस पे मुझे वो कहावत याद आती है यार, दिन में बहन भाई ते रात में चारपाई, इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को बहन बोले, समझ में आई ना? जो जितना ज्यादा बहन बहन बोलता है ना, उसको बार बार रिपीट करवाना पड़ता है अपने दिमाग में लड़की से बात करते हुए, नहीं ये तेरी बहन है, नहीं ये तेरी बहन है, नहीं ये तेरी बहन है, तेरा खड़ा हो रहा है उसको नीचे कर, तेरी बहन है, खड़ा हो रहा है नीचे कर, तेरी बहन है। इसी वजह से ये हर जब आती है ना सिस्टर बहन बाजी बना लेते हैं फौरन। This is the thought process behind it. समझो। Please, मेरी बहन, अगर आप बहन कहलवाना पसंद करती हैं, तो वो उस बेचारे के पैसे वापस दे दे, वो डिप्रेशन में चला गया जी। वो तो फुड़कने लगा, देखें जी, वो तो कहता मैं डेली कोई 18 घंटे काम करता हूँ। बीच में कोई बकरी आ गई थी उनकी स्पेस में, कि मैं, ये एक और साहब है, इनका नाम है चौधरी, जैसे काम वैसे इनका नाम है चौधरी, इनका नाम है, ठीक है? तो इनसे बात करते हैं, इनका मुंह ऐ करके खुलता है जब ये बात करते हैं, और तो आपको बहुत मैं सुनने को मिलेगा। 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे बचा। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, यार मेरे तो सारे मेरे फैन ऐसे फुकरे हैं सारे के सारे, कोई अमीर भी बने भाई, कोई अमीर विक्टर नहीं है। फुड़कने लगा, देखें जी, वो तो कहता मैं डेली कोई 18 घंटे काम करता हूँ। एक सेकंड, 18 घंटे, 100 divided into 18, यार ये तो $5.50 पे काम करते हो, यानी किस चीज का काम कर रहे हो भैया? पाकिस्तानियों की इतनी बुरी हालत है यूके में, मेरे को नहीं पता था अंडर टेबल भी लोग जो काम करते हैं उनको $5 से तो ज्यादा ही मिलता है। यार कौन से काम कर रहे हो तुम लोग, इतने गरीब लोग। अरे 18 घंटे बेचारा काम करके टैक्स कटवा के तो 100 यूरो, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी रकम। और आतिर भाई, ये तो मैं भी शौक हो गया, इतनी बड़ी रकम, भिखारी लोग तो यही बोलेंगे ना, जो लोग हमेशा कटोरा लेके खड़े होते हैं उनके लिए 100 यूरो बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, यहाँ हम छींक देते हैं तो 100 यूरो या $100 हमारी गांठ से निकल जाता है। तो बेचारों को वाकई में कितनी तकलीफ हुई, बेचारों के मैं पैसे खा गई। 100 यूरो भाई, गांड मरवा कर 550 पे, इतनी बड़ी रकम। और आतिर भाई, ये तो मैं भी शौक हो गया हूँ। और
क्यों शौक हो गया? तो ये खैर बीच में मैं बात कर रही हूँ, मैंने चले जी मैं चुप कर जाता हूँ, मैं चुप ही नहीं हो रहे। चले मैं चुप करता हूँ। कैसर भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, बात करेंगे मैं तो। अच्छा कैसर राजा जी कहाँ है? कैसर राजा जी आपकी स्पेस में ओनली फैंस और रकम और धोखेबाजी की चीजें चल रही हैं और आप कहाँ हैं? कैसर राजा जी सो रहे हैं? कैसर राजा जी एक्चुअली ओनली फैंस पे रिसर्च कर रहे थे वहां पर, तो कैसर राजा जी को मिस्टर आतिर सजेशन कर रहे हैं कि कैसर राजा जी अगर आपके पास पैसे हैं 100 यूरो हैं तो आप ओनली फैंस पे चले जाए। यार दोबारा सुनो, यार सुनो मजा आएगा। चले जी मैं चुप कर जाता हूँ, चले मैं चुप करता हूँ। कैसर भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, बात करेंगे मैं तो। मेरे ना दे पैसे। कैसर राजा जी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दे, वरना आप मगर आप भी डिसअपॉइंट ही होंगे वहां पे जाकर। हाँ ये याद रखो, डिसअपॉइंट क्यों होंगे वहां जाकर, ऐसा क्या था? ठीक है आगे बताएंगे आपको ऐसा क्या था। मैं यही चेक करने गया था कि आपका नाम ही जानते नहीं, मैं आप यही चेक करने गया था कि आप वाकई सर्विसेज दे रही हैं या झांसा ही दे रही हैं। तो नहीं, आपने झांसा ही दिया, सर्विसेज नहीं दी आपने जी। कैसे भाई सर्विसेज नहीं मिली आपको? अरे मेरे खुदाया अल्लाह रब्बा मैं कहां जाऊं? ओह माय गॉड, आतिर साहब कौन सी सर्विसेज लेने गए थे आप वहां पे जो आपको नहीं मिली? हाय मेरे रब्बा मैं कहां जाऊं, अपना दुखड़ा कहां रोऊं? चौधरी साहब को भी नहीं मिली और सजेशन ये दिया जा रहा है कैसर साहब को कि आप भी मत जाना, सर्विसेज नहीं मिलेंगी वहां पे कैसर साहब आपको, हमारे पैसे खा गई ये लड़की, इसने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की ओनली फैंस पे। आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझको। इस दौरान मैं थोड़ा बहुत मुझको ना 30 सेकंड्स के लिए बोलने नहीं, देखने तो नहीं मैं गया था, मैं तो ये नहीं, वैसे आपने देखने तो मैं नहीं गया था तो करने क्या गए थे आप वहां पे? लड्डू खाने गए थे क्या? करने गए थे आंखें बंद करके गए थे, बुरका पहन के गए थे वहां पर क्या करने गए थे मेरे को ये बताओ पहले तो, ओनली फैंस पे करने क्या गए थे? अगर आपको ये लगता है मैं गुंदे काम करती हूँ ओनली फैंस पे तो आप करने क्या गए थे भैया, और गुंदी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ मगर आपको वो सर्विस नहीं मिली जो आप चाह रहे थे, भैया ऐसी कौन सी सर्विस मांग ली आपने? खोती के साथ मांग ली थी, कुत्ते के साथ मांग ली थी, कौन सी सर्विस थी ऐसी जो आपको वहां नहीं मिली? हाँ मैं खोती और कुत्ती ऑफर करती हूँ, आई एम सॉरी I'm against bestiality. नहीं देखने तो नहीं मैं गया था, मैं तो ये नहीं, वैसे आपने कैसा, वैसे सही बात है कि आपने कैसा यहाँ पे लोगों को चक्कर दिया। हाँ कैसा आपने यहाँ पे चक्कर दिया है कि यहाँ तो आप हमको बताती हैं आप ओनली फैंस करती हैं और आप वहां सब कुछ दिखाती हैं मगर फिर आप हमसे पैसे ले लेती हैं और आप कुछ दिखाती नहीं है। ये अब चौधरी साहब ये आपको क्लियर करके बताएंगे बात, ठीक है ना? चौधरी साहब मैं तो चक्कर दिया फीमेल प्रॉफिट का नाम ओनली फैन का काम समय से बाहर है, हम लोग ट्रिगर होते हैं। ओनली फैंस का काम इतना गंदा है तो आप लोग वहां पर मुझे गंदे काम को सपोर्ट करने के लिए क्यों पैसे भेज रहे हैं? यहाँ तक के आतिर शाह ने अल्लाह मियां के नाम पर मुझको 100 यूरो माफ कर दिया, बख्श दिया मेरे गंदे कामों पर। अल्लाह मियां देख ले आपके पैसे जो है ना वो अब मेरी जेब में आ रहे हैं, ये लोग जो है ना मस्जिदों में नहीं डाल रहे और वो भी रमजान के महीने में, ये रमजान का महीना है। देखते हैं यार ये मेरी बात मेरी बात तो सुन दो मोहतरमा, बात तो सुने कि हम लोग अपने ऐसे मुस्लिम ट्रिगर हो जाते थे यार, ये जो हमारी बहन है इसने, मैं तो अभी भी आपको बहन ही कहूंगा, तो ये इसने इस तरह का नाम रखा है कि कोई भी मुसलमान ट्रिगर हो वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज ऐसा नाम ना रखे। लेकिन आतिर भाई इतने पैसे खा गए आपने, वो रसीदे भी
क्यों ना रखें, तेरे बाप का नाम है जो हम नहीं रखेंगे, तू कहेगा तो हम नहीं रखेंगे, तेरा ट्रिगर हो जाता है तो मैं क्या करूं, ये तो मेरा क्या है, तेरा ट्रिगर हो रहा है ना। हाँ यही तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती है। तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये भी वहां गए, इनको भी सर्विसेज नहीं मिली, इन्होंने भी पैसे गवा दिए, और ये सब लोग बड़े दुख हैं, दुखी हैं कि इनके मुसलमान भाइयों को मेरी नंगी तस्वीरें नहीं मिली, क्योंकि वो देखने गए थे वहां पर, क्योंकि मैं तो नंगा नाचती हूँ ओनली फैंस पे पॉइंट करती हूँ, राइट। तो ये वो देखने गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इनको वहां पे वो सर्विसेज नहीं मिली। तो कैसे राजू साहब, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको पॉइंट सर्विसेज देखनी है तो वहां मत जाइएगा, क्योंकि वहां आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो आपके भी पैसे जाया हो जाएंगे। आपको समझ में आया अब नैरेटिव, आगे बढ़ते हैं। ढेर किए हैं और लोग लगे हुए हैं पुल बनाने। तो आतर भाई ये पुल की समझ नहीं आती, ये पुल किधर किधर से होके, वो पता नहीं कैंची वाला पुल है, वो कोटे की तरफ सुना ना कैंची वाला पुल है, पता नहीं ये कैंची वाला पुल है क्या, ये पुल है आतर भाई। तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। आई नो आप लोगों को नहीं पता कि ये बंदा क्या बात कर गया है इस वक्त। ये आ रहे हैं चौधरी हशमत दीन दीन, ये याद रखना, जितना बड़ा इस्लामी होगा ना बंदा उतना ही बड़ा हरामी होगा। वो कैंची और कोठा, कोठे का तो आप सबको पता है, कैंची का नहीं पता होगा आप सब लोगों को। जिन लोगों को कैंची का नहीं पता है, तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये कैसर राजा की प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे ये स्पेस चल रही है, जहां पर इनका होस्ट, जो ये हर वक्त बैठा होता है को होस्ट बन के, इनका जिगरी दोस्त, ये जो बैठे हैं दोनों, उनसे कैंची की बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कैंची की बातें कैसे होती हैं, और वो भी मुझे भी शर्म आती है बातें करते हुए यार, कि कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। मतलब बिकॉज आई एम ओपन माइंडेड, और मैं तो पहुंच सा आ रहा हूँ, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैंची क्या होती है। अब भाई देखें, जो लेस्बियंस जो होती है ना, तो वो जब यार इतनी गंदी बात है, मैं कैसे बताऊं, मुझे भी शर्म आ रही है। जो लेस्बियंस होती है ना, तो जब वो कैंची, देखी है ना आपने कैंची, यू यू चलती है, तो वो कैंची यू ले आओ, समझ आई आपको, समझ आई कि नहीं? ओ चौधरी हशमा, तू ही समझा दे अपने मुसलमानों को ये कैंची कोठा क्या होता है, ऐसी गंदी गंदी बातें मुझसे करवा रहे हो यार, तौबा तौबा तौबा। अब सुन लो, कैंची होती है कि जब दो औरतें एक दूसरे के नीचे ना कर रही होती है, तो वो कैंची जैसा शेप बन जाता है। तो ये चौधरी आपका, ये अल्लाह रसूल वाला जिसका नाम ही दीन है, और ये कैसा राजा जो इस्लाम और दीन की बातें करता है, जो हम जिंसी के खिलाफ है, उसकी स्पेस में कैंची और कोठे की बातें हुई हैं। हाय अल्लाह मियाँ, आपके करिश्मे देख रही हूँ हाँ देख रही हूँ मैं। तरफ सुना ना कैंची वाला पोल, पता नहीं ये कैंची वाला पोल है क्या, ये ये पुल की जो चीज है ना, ये तो बहुत ही लंबा चक्कर है, ये ट्विटर पे एक और ही झगड़ा चल रहा है। तो ये जो पुल बनाने की लड़कियां आप बात कर रही थी ना, आपको सबको पता होगा किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये आपके लिए बात की जा रही है। मेरे तो छोड़ो, मेरे को तो छोड़ो, मैं तो गई मैं तो उनके पैसे खा गई। ये आप लोगों की बात कर रहे हैं कि आप जो पुल बनाने निकली थी ना इधर उधर का, है ना, तो ये आप वो कैंची वाली है जी। बोल आतर भाई। तो सर माफ कर दिए पैसे, मैं इन्होंने बात करनी है कैसे भाई से, शायद कुछ पूछना हो तो इनके इलम में इजाफा हो जाए। तो मैं मुझे बस ये बता दें कि व्हाट इज अ वुमन, क्योंकि ये उनकी साइड से है, मुझे पहले ये आंसर कर दें फिर आगे चलते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यही मोहतरम आई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्लीज हमें बताएं कि व्हाट इज अ वुमन प्लीज। औरत मार्च के हिसाब से। अच्छा, तो मैं इनको कहती हूँ भाई मैं किसी की साइड से नहीं आई हूँ, तो मुझे पता चल गया था कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही है। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई रसीदें लगाओ, ओनली फैंस पे क्या करने गए थे, ये सारी चीजें। अच्छा, तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कैसर राजा का ये जो माइक है वो ऑन है, मगर इट वाजंट कैसर राजा दैट वाज स्पीकिंग, मगर वो थे वहां पर। और अभी आपको दिखेगा कि कैसर राजा वहां बैठे हुए थे, वो चाहते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को रोक सकते थे, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि मुझे नंगा करें, मगर खुद नंगे हो गए, खुद नंगे हो गए। तो कैसे राजा जी ने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया, इन्होंने जाने दी, कैंची वाली बात भी जाने दी, गंदी गंदी बातें होती रही। आई हैव द प्रूफ, आई हैव द प्रूफ, आई डिड शेयर इट, देन यू एंड अप क्लोजिंग योर ओन चैनल, यू एंड अप क्लोजिंग वो जो वो क्या कहते हैं पेपाल, आपने क्लोज कर दिया, आपका अकाउंट भी बंद हुआ, मैंने रिपोर्ट भी की, आपने नया बना लिया। मेरा तो पेपाल कभी नहीं बंद हुआ,
कौन सा अकाउंट, कौन सा चैनल, पहले ये तो डिसाइड कर लो क्या चीज अकाउंट तुम्हें बंद करवाई। मेरा सिर्फ ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद हुआ था और वो भी वापस आ गया, वही है, ये वही है जो तुम लोगों ने फीमेल प्रॉफिट वाला था, ये वही अकाउंट है जाहिल। तो मैं दोबारा ऊपर कहते हैं तो ऊपर शेयर करके सारों को दिखा देता हूँ। अच्छा इस बात को डेढ़ हफ्ता हो गया, अभी तक रसीदें नहीं आई हैं, और रसीदें तो मैं लगाऊंगी, मैसेजेस भी लगाऊंगी मैं जो इन्होंने मुझे प्राइवेट में भेजे हैं। इसके पैसे गए होते हैं, उसके पास रसीदें होती हैं। अच्छा देखते हैं, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। वैसे आज जो है ना 15-17 तारीख हो गई है मार्च की, तो अभी तक नहीं आई है इसको। ये मैंने कब रिकॉर्ड किया था, ये कोई डेढ़ हफ्ता हो गया इस बात को, रसीदें नहीं आई है अभी तक। सो इस वे मुझे इन लोगों ने, मेरे ख्याल से मैंने 30 seconds बात की है 7 minutes के वीडियो में। मैंने काउंट किया था कि मैं कितनी देर मुझे चुप करके इन्होंने रखा है, तो बात करने नहीं दी इन्होंने मुझे, इन्होंने नंगा मुझको करने की कोशिश की। और नीचे जो बहनें हंस रही थी ना कैंची की बातों पे, वैसे आप हिजाबरें बन के आती हैं बड़ी फेक आईडी से, आप लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी कैंची पे, समझ में आई थी बात आपको कि नहीं आई थी? और चले मैं बताता हूँ वो कैसे है टॉपिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, यही लिखा ऊपर टॉपिक लिखा हुआ औरत मार्च फ्रॉड, और आपने जब से गिरा फ्रॉड गिरा नहीं। तो मैं ये बताना चाहता था अपने लिसनर्स को कि हमने जो टॉपिक लिखा है वो कितना वैलिड है और उनको सपोर्ट करने वाली कितनी वैलिड है। तो आपने इस चीज का प्रूफ कर दिया। बहरहाल मैंने ये क्लेम किया है तो मैं इस क्लेम को पूरा करूंगा, मैं रसीदें शेयर कर दूंगा। आपने जो बात की है अभी तक रसीदें भी नहीं आई। अच्छा मैं ना इफ्रा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर वो थोड़ी देर के लिए ना तो उस दिन पे आ जाए, मेरा मोबाइल आउट ऑफ चार्जिंग हो रहा है। अच्छा तो अब नोटिस कीजिए आपके इस सब के दौरान कैसर राजा जी ने भी, ये सारी जब चीजें हो गई ना, तो जो हारिस ने वीडियो बनाया था तो इन्होंने अपॉलॉजी डाली, उसमें मैं अलग बनाऊंगी वीडियो क्योंकि उसके लिए अलग टॉपिक टाइम चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैं वहां था नहीं, कुछ ऐसी बात की थी, ये वहां थे, ये वहां सुन रहे थे, और उसका प्रूफ अभी आपको मिलेगा जब ये को होस्ट अपना बदलते हैं और ये एड्रेस करते हैं पूरी स्पेस। तो इनकी 7 minutes तक कैंची की बातें भी चली, गंदी बातें भी चली, नंगी बातें भी चली, और इस बंदे ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये करवाना चाहते थे, ये चाह रहे थे कि मेरी गंदगी हो, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें। मगर कीचड़ जो है ना आप ही के पिछवाड़े पे, मुंह पे नहीं बोलूंगी, पिछवाड़े पे लगी है। सफा मोबाइल आउट ऑफ चार्जिंग हो रहा है और मेरी गाड़ी की भी बैटरी चल रही है, तो कैसे भाई प्लीज इनको कोर्स ले लें, मैं 10 minutes में ना बस। बेचारा पीछे सबवे में ट्रैवल कर रहा है वो यार, गाड़ी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। किनको कहा आपने छोड़ सर? इफ्रा को कोर्स बना दीजिए जी। ठीक है आप छोड़िए मैं बोला। सुन लिया आपने, ये कैसे राजा की आवाज? ये है, गो अहेड गो अहेड। ये कैसे राजा की आवाज? ये सुनिए सर, मैं ना इफ्रा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर वो थोड़ी देर के लिए ना तो उस दिन पे आ जाए, मेरा मोबाइल आउट ऑफ चार्जिंग हो रहा है और मेरी गाड़ी की भी बैटरी चल रही है, तो कैसे भाई प्लीज इनको कोर्स ले लें, मैं 10 minutes में ना बस कहीं पे गाड़ी पे लगाता हूँ, सबवे में ट्रेवल कर रहा है जी। किनका कहा आपने छोड़ सर? इफ्रा को कोर्स बना दीजिए जी। ठीक है आप छोड़िए मैं बोला। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कैसे राजा थे वहां पर, उनकी मौजूदगी में सारी गंदी बातें हुई और ये सपोर्ट करते हैं सारी गंदी बातें। और ये झूठे चौधरी, तू पीछे से ताई, पीछे से हमको आवाज आ रही है, तू सबवे में ट्रैवल कर रहा है, कह रहा तेरी बैटरी जा रही है, तेरी गाड़ी की बैटरी जा रही है। अल्लाह मियां तो भाई, ये गो अहेड गो अहेड। अच्छा तो इन्होंने अब मुझे थोड़ी बात करने दी है और अब आप देखेंगे किस तरह से मुझे स्पेस से निकालते हैं। देखिए देखिए बस थोड़ा सा ही वीडियो रह गया अब। हाय अलमिया, क्या करूं मैं आपके ये मोमिनों का, यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्पेस। हाय खुदाया, आई मजा आ गया मेरे को। अच्छा सो चले, दो तीन बातें मैंने करनी है, वीडियो वैसे ही बड़ा लंबा हो गया, मैंने कुछ ज्यादा ही चस्के ले लिए इस वीडियो के। अच्छा एक और इनका जो झूठ है, इन्होंने कहा कि बाद में इन्होंने कहा कि हमने इसको स्पेस से निकाला नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं क्या बोलूं इस चीज पे, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ इन लोगों को कि अगर आप मेरे ओनली फैंस के पेज पे जाएं, राइट, और मैं आपको दिखा दे, ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे ओनली फैंस पे जाएं, अगर आप टाइप करें onlyfans/desi_babe, तो ये पेज आपके सबके सामने आ जाता है, राइट। तो अब इसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पर
और इसमें आपको अबाउट मी में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको ये पता चलता है कि भाई मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, या मोर इन्फो है, मोर इन्फो पे क्लिक करें। तो यहाँ जाकर आप अगर देखेंगे, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती हो ना, तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि यहाँ पर क्या पोस्ट होता है और क्या नहीं पोस्ट होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने खुद ही लिखा हुआ है कि एट द एंड जस्ट रिमेम्बर दिस इज नॉट अ न्यूड और पोर्न साइट, सो प्लीज स्टे रिस्पेक्टफुल, एनी हेट कमेंट और मिसबिहेवियर विल एंड अप इन रिस्ट्रिक्टिंग योर अकाउंट। तो ये चीज यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है यहाँ पर कि ये पोर्न साइट नहीं है और यहाँ पे न्यूड तस्वीरें नहीं मिलती है आपको, ताकि कोई धोखे में न रहे। उसके बावजूद अगर कोई मुझको पैसे भेजना चाह रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उनको नंगी तस्वीरें भेजूंगी, आई डोंट नो, फिर वो तो उनके ऊपर है ना। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि $100 आप कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ मंथली बेसिस पे होती है, राइट। आप एक महीने के लिए करेंगे तो $15 है, 3 महीने के हैं, यू नो, जैसे कि आपको सेम थिंग जैसे कि यूट्यूब पे होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इट्स लाइक अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो शायद $134 आएंगे। फिर भी इन्होंने कोई ये तो नहीं ना कि एक साल के लिए इन्होंने वो कर दिया और इनको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जाकर रिफंड मांग सकते हैं और आपको रिफंड मिल भी जाता है। सो आई डोंट नो कि ये इन्होंने 100 यूरो मेरे को किस चीज के लिए भेजे, इन सारे पाकिस्तानी मुसलमान मर्दों ने। और अगर इन्होंने न्यूड तस्वीरों के लिए भेजे थे तो भाई आप लोग न्यूड तस्वीरें मुझसे क्यों मांग रहे हैं, जब मैं न्यूड तस्वीरें करती नहीं हूँ और पोर्न करती नहीं हूँ। तो आप फोर्स करना चाहते हैं मुझको कि मैं न्यूड तस्वीरें आपको भेजूं ताकि आप अपने भाइयों को दिखाएं, अच्छा, और आप कैसे राजा को भी बोल रहे हैं। सो एनीवेज, मैं ये चीज आपको दिखाना चाह रही थी कि लोग जब झूठ बोलने पे आते हैं तो वो कितना झूठ बोलते हैं, और कभी कभार वही झूठ उनके गले जो है या उनकी गांड के अंदर, आई एम सॉरी टू से, पूरे वीडियो के बाद एक गली तो बनती है, घुस के ना जो फटता है ना उन्हीं का झूठ उन्हीं के मुंह पर, तो अब ये गोबर जैसा मुंह जो है ना अपना लेके फिरो। मगर ये चीज है, और इसके मैं छोटे छोटे साउंड बिट्स जो है मैं निकाल के रख दूंगी, कैसा राजा जी आप जो है एक नंबर के धोखेबाज और एक नंबर के जिसे कहते हैं ना महा महा वो है, मैं नाम बोलना नहीं चाह रही हूँ, यू नो पीपल आर रिस्पेक्ट यू एंड आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू, मगर आपके जो ये चुचुंदर आपने वहां बैठाए हैं उन्होंने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ, मैं एक फहाशा औरत हूँ और आप वहां फहाशी के खिलाफ हैं। मगर आपकी जो फहाश फरोश, ये जो जिस्म फरोश लोग जो वहां दरिंदे गिद बैठे हुए थे ना जो नोचने के लिए, तो उन्होंने तो ये प्रूफ कर दिया कि आपके मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा फहाशी बढ़ा रहे हैं, जो लड़की नंगा करती भी नहीं है उससे भी ये नंगी तस्वीरें मांग रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं जब आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, तो आपका जो असली चेहरा है ना वो सबके सामने दिख रहा है। मैं नहीं जानती कि आपकी ब्राउजर हिस्ट्री में क्या है, मगर मैं गारंटी के साथ ये लिख के बता सकती हूँ कि आपकी ब्राउजर हिस्ट्री में भी ना यही गंद होगा आपकी भी, और जो बंदा जितना मुसलमान और जितना इस्लामी बनेगा ना उसकी ब्राउजर हिस्ट्री जाके देख लो ना, कुत्ते गधे की उसमें से चीजें निकली। मेरा नाम बदल देना वहीं पे, नाम बदल देना मेरा, आई हैव सीन दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, मुझको जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, वो तस्वीरें थी, वो रसीदें कहाँ हैं, हाय महदीर से ऐसी कौन सी सर्विसेज मांगी इन्होंने, ये सारे सवालात के लिए कीप वॉचिंग गाइस, ये सारे सवालात के लिए महदीर आपके लिए नेक्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट्स और वो रसीदें लाएगी, ताकि इन लोग हम थोड़ा सा और नंगा करें ना, हाय हम तो कच्चा भी नहीं छोड़ेंगे आपके जिस्म पे। Anyways guys, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, मगर एनी और डोंट फॉरगेट यार, इनके पैसे मुझे वापस करने, तो आप लोग जरा मेरे को बाय मी अ कॉफी पे जो 100 कॉफी मारो, जाओ ओनली फैंस पे सब्सक्राइब करो, जाओ पेट्रियन पे सब्सक्राइब करो यार, सुपर चैट मारो, थैंक्स मारो, ये ऐसे ऐसे फुकरा मत बनो, ऐसे फुकरा मत बनो, इनको दिखा दो कि हम जो है ना स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, 100 यूरो हमारे लिए कुछ नहीं होता, ठीक है ना, गांड मरवा के हम 100 यूरो नहीं कमाते हैं 18 घंटे में। बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट्स कीप एक्सपोजिंग दीज इस्लामिक स्कॉलर्स, बाय। कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।